अर्चना जी कुर्सी पर नहीं है और कोई दूसरा उनकी सीट पर ना बैठ जाए, इसलिए सीट पे दाल गिरा के गई हैं। लेकिन पता है आज वो अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं है? क्योंकि आज वो अपने हस्बैंड के साथ एज ए गेस्ट यहां आने वाली हैं। और वही नहीं, हमारे साथी कलाकार कृष्णा और कीकू भी आज अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ यहां पे होंगे, यानी आज घर वाले जो हैं वो हमारे घर वालों का पोल खोलेंगे। तो जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा इस शो की लाफिंग बुद्धा लकी शाम, हम सबकी प्यारी वेरी ब्यूटीफुल वर्सेटाइल एक्टर अर्चना पूरन सिंह और उनके लाइफ पार्टनर वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड एक्टर राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर प्रमीत सेठी। जोरदार तालियां अर्चना मैम और प्रमीत सर के लिए। How nice this feels. प्रमीत सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना मैम आपका तो स्वागत होता ही है। Thank you, हम करें ना करें आप करवा ही लेती हैं। नहीं आज आप कुर्सी पे नहीं तो इसका मतलब ये दाल गिरा के जाएंगी मैम आप। ओह मेरी कुर्सी है। अब मैं समझा प्रमीत सर आपसे भाग क्यों नहीं पा रहे हैं। आप भागने नहीं दे रही हैं। परमेश सर आप तो इनको शादी से पहले से जानते हैं जी। आप ये बताइए कि इनका पहला प्यार आप हैं या कुर्सी है? कुर्सी कुर्सी वो सवाल ही नहीं मतलब इसका इसका इसको घर पे एक मैं अपने लिए काउच लेकर आया था। अच्छा जी। और इसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए काउच, यू हैव इट नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैं काउच लेकर आया अच्छा एक दिन बैठा उस पर, सेकेंड डे पर मेरी पीठ दुख रही है, मैं उस पर बैठ जाऊँ, बैठ गई और उसके बाद उठी नहीं वहां से। ये मोहब्बत है। मैंने देखा सर, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे देखा अर्चना मैम चुपचाप वीडियो बना रही और आप और दोनों बेटे भाग रहे हैं और तमाम चार महीने से आप लोग भाग ही रहे थे। फर्क भी दिख रहा है सर, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, मतलब कमाल है। बहुत बहुत स्वागत है सर। यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ओह थैंक्स ब्रो, मैं यही सुनना चाहता था। पर जोक सबाट, आप दोनों की जोड़ी जो बहुत ही प्यारी है सर, आप दोनों बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। आइए विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखा इनको अकेले की कुर्सी चाहिए, बैठिए आपका जहां दिल करे। उधर बैठो क्या? आपके हस्बैंड है। एक बार तेरे पास बैठने का मौका मिला था, वो भी काले कपड़े में। क्या कमाल लग रहे हैं आप दोनों, मतलब मैचिंग मैचिंग पहना है। अच्छी बात है, हमारे शो को नजर नहीं लगेगी, बड़े लोगों की नजर है हमारे शो पे। परमेश सर आप भले ही आज आए हैं शो पे, लेकिन आपको पता है आपके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। हमने एक बार अर्चना जी से ऐसे ही पूछा कि अर्चना जी आपकी मुलाकात कैसे हुई, तो ये बोलते मैंने तो प्रमीत को बड़े चक्कर लगवाए। तो आप बताइए इन्होंने सचमुच में आपको चक्कर लगवाए थे कि इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के शादी करवाई है? कई लोग तो कहते हैं आपको उठाया गया था। इसने मजबूर किया मुझे। अच्छा, मुझे ऐसी सिचुएशन पैदा की कि झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, प्रपोज टू मी और हमने एक्चुअली भागकर शादी की थी, लेकिन एक दूसरे से भागकर नहीं, मतलब एक साथ भागकर शादी की थी और ओवरनाइट की थी। 11 बजे रात को डिसाइड किया था हमने। हम पंडित ढूंढने गए। अच्छा। 12 बजे पंडित बोलता है यार तुम भागे हुए हो। मेरा नहीं, लड़की बालक है, ऐसे मेरे से ज्यादा बालक है वो। आप टेंशन पर नहीं। ऐसे बोले ऐसे थोड़ी होती है शादी, मुहूर्त होगा सुबह। मेरा ठीक है, उसको पैसे दे दिए, सुबह आया वो, 11 बजे शादी कर ली हमने। पर एकदम रात को डिसाइड क्यों किया? आपके ऊपर कोई मानसिक तनाव था, कोई प्रेशर था आपके ऊपर? वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। वैसे आप दोनों ही नए नए जब इंडस्ट्री में आए थे आप, और अपना कमाऊ थे आप दोनों, अपना अपना है ना, सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो फिर भी घर वालों ने विरोध किया आपका? कोई फिल्मी ड्रामा हुआ आपकी शादी में? हाँ बहुत ड्रामा हुआ। हिज पेरेंट्स, इन्होंने परमीत के पेरेंट्स ने नाराजगी बयां की थी कि लड़की थोड़ी ज्यादा बालिग है तो। और एक्ट्रेस है, लेकिन वो सब होने के साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अल्टीमेटली जब शादी हो गई उसके बाद जिस तरह से उन्होंने मुझे स्वीकार किया, दैट वाज अमेजिंग। अब ये एक बार हो गई तो क्या करते। ये तो चलो ऊपर वाले जानता है, उन्होंने स्वीकार किया या आपने करवा लिया बाजू मरोड़ के। चलो जैसे भी है, जोड़ तोड़ तो होते हैं। आज आपकी जोड़ी सामने है तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कुंडलियां मिलाई जाती हैं, तो आपकी शादी में भी कुंडलियां मिलाई गई थी या फोटो दिखा के डॉले मिलाई गई? आई थिंक हमारा एक्चुअली ये फिजिकल जो एक लुक था वो हमेशा आई थिंक करेक्ट बैठता था। अच्छा। और हमारी जो एक्चुअली मेंटल जो ट्यूनिंग थी वो आई थिंक परफेक्ट थी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी गॉट मैरिड। लेकिन शादी के कई साल बाद एक पंडित जी को मैंने दिखाया था, हमारे दिल्ली के एक पंडित जी हैं, तो उन्होंने मुझे कई साल बाद बोला वैसे तो अर्चना तुम्हारी मतलब गृहस्थी ठीक ही चल रही है ना? मैंने कहा हाँ पंडित जी, क्यों पूछ रहे हैं आप? तो कहते हैं क्योंकि तुम्हारी मैंने अभी कुंडलियां देखी है परमीत और तुम्हारी, और अगर मेरे पास ये कुंडलियां आती तो मैं बोलती ये शादी नहीं होनी चाहिए कभी। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज इससे तुम्हारे ग्रह अलग है या पता नहीं, बहुत सारी चीजें होती है ना। पंडित जी की नजर होगी आप पे और क्या।
हाँ नहीं तो क्या, इतनी प्यारी जोड़ी तो है, और क्या चाहिए। लेकिन हमने एस्ट्रोलॉजी को गलत प्रूव कर दिया। कितने साल हो गए, मुझे तो याद नहीं रहता, कितने साल हो गए मैं शादी को? आई थिंक 28 28 इयर्स। वाओ, गॉड ब्लेस मैम। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है और मरोड़ना हाथ अपनी जगह है। हाँ तो दर्शकों आपने समझ लिया ना, नहीं तो फालतू में लोग अफवाहें उड़ाते हैं, बोलते नहीं जी इनके साथ फेरे की जगह तो 7 बार पंजा लड़ाया गया था और 8वें पंजे में अर्चना ने घुमा कर सीधा ही ले गई डोली में बिठा के, तो ये बिल्कुल अफवाहें हैं, आप प्लीज इन पे बिलीव ना करें। और परमीत सर के बारे में आप सब जानते हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर भी हैं, टीवी में भी एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। अर्चना जी को आप फिल्मों में देखते हैं और तमाम जितनी भी लैंग्वेजेस भारत में पाई जाती हैं उनसे एक दो ज्यादा ही इन्होंने की हैं फिल्में और हमारे शो में तो काम करती हैं। मड आइलैंड में इनका ऑलरेडी एक बंगला है, अब क्या समंदर खरीदना है आप लोगों को? आप मतलब अभी मैंने आपको भी वेब सीरीज में देखा था, मतलब इतना काम क्यों? जितनी अच्छी आप दोनों की सेहत, आप तो जहां पे झंडा गाड़ दें आप कब्जा कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा एक मोटो है, एक्चुअली लोग दुकान खोलते हैं अपने काम की जी है, मैंने डिपार्टमेंट स्टोर खोला हुआ है। अच्छा जी, तो मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं राइटिंग भी करता हूँ, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ। प्रोडक्शन हमने किया था जी, आपके देखे हमने दोनों प्रोडक्शन आए हैं एक बार। उन दोनों के अलावा मतलब और प्रोडक्शन नहीं किया हमने, टेलीविजन वगैरह पर प्रोडक्शन किया है। बट यार समुद्र खरीदने की बात तो कर रहा है, तेरे मुंह में घी शक्कर। वैसे ये आदमी है जो हमारे सबके जीरोज मिलाकर इसका चेक उससे भी ज्यादा बड़ा बनता है यार, तो तू क्यों पैसों पर नजर रखता है हमारी? मैं भी काले कपड़े पहन के नजर नहीं लगेगी, डोंट वरी। अच्छा परमीत सर, हमने सुना है कि आप जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है जी। yes. और अर्चना मैम प्योर वेजिटेरियन है, तो ये दिल से वेजिटेरियन है कि आपने बोला इनको कि आप नॉन वेज मत खाना, क्योंकि अगर ये भी नॉन वेज खाएंगे तो ये आपका वाला सारा सामान भी खा जाएंगे। ये मुझे ना खा ले कपिल, एक मिनट, बहुत सीरियस बात है। सब लोग जानते हैं कि कम से कम 6-7 जजों को खा चुकी है। हाँ, ये इतिहास गवाह है, अब ये ऑडियंस को भी खा गई है कि नहीं? अब बस खसम को खाना बाकी है बस। अरे परमीत सर, कभी ऐसा आपने मजाक नहीं किया कि जैसे अर्चना मैम को वेज कबाब बोल के नॉन वेज कबाब खिला दियो? क्या आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती इनके मजाक करने की? मतलब मुझे एक्चुअली मार देगी। मैंने अपने बेटों को थोड़ा सा ऐसे चिकन से साइड में कुछ खिलाने की कोशिश की थी एक बार, मतलब उस पर भी मतलब हाउ डेयर यू, मतलब मेरा ठीक है भैया तुमको वेजिटेरियन बना दे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं पर अच्छी बात है मैम, वेजिटेरियन होके भी आप अपनी सेहत, मतलब मैम की स्किन देखो कितनी ग्लो करती है, तो जरूरी नहीं है नॉन वेज खा के ही आदमी जो है वो सेहतमंद हो सकता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो जानवर होते हैं वो सब वेजिटेरियन है, मसलन। मसलन मैं और हाथी और घोड़ा, ये सब वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, सो आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड आई प्रेफर टू रिमेन सो। और मैंने दोनों बच्चों को भी वेजिटेरियन ही बनाया। वेरी गुड, वो तो आपकी ही चलेगी उसमें तो कोई है। बिल्कुल। तो बहुएं किसकी मर्जी से आएंगी, आपकी के आपकी बच्चों की मर्जी से? वेरी गुड, आई लव यू मैम। अर्चना मैम और परमीत सर से तो हम लोग बातें जो हैं वो हमारी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है हमारी टीकेएसएस फैमिली से एक और कपल को यहाँ पे बुलाने का। किसी और को बुला रहा है यहाँ पर जी, तो वो जो मेरी कुर्सी खाली है ना मैं उस पर कब्जा कर लूँ, क्योंकि मतलब यहाँ ये गेस्ट वेस्ट को तो कुछ पैसे मिलते नहीं है यहाँ पर, वो मेरी कुर्सी ना वहाँ रोकड़ा मिलता है, तो मैं जा रही हूँ उधर बैठने के। परमीत सर आप, वेर आर यू कमिंग? भाई साहब नहीं सुनिए, वहाँ पर ना रिश्तेदारी नहीं चलेगी, वो अकेली मेरे लिए कुर्सी है बस। हाँ तो यू सिट हियर। पति पे भी यकीन नहीं आपको ना कि कोई कहीं कहीं कुर्सी पर ना बैठ जाए? आइए सर, आइए आप हमारे पास बैठिए आप सर। तो चलिए बुलाते हैं उनको जो यहाँ बहुत सारे किरदारों में दिखाई देते हैं, प्लीज वेलकम आप सबकी प्यारी सपना उर्फ हमारे प्यारे कृष्णा अभिषेक और उनकी लाइफ पार्टनर एक्टर डायरेक्टर एंड फैबुलस डांसर कश्मीरा शाह। कृष्णा और कश्मीरा के लिए जोरदार तालियां। कश्मीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृष्णा आपका तो होता ही है रोज। लेकिन आप देखो मैम, कृष्णा कितना हैंडसम लग रहा है यार लड़के कपड़ों में। लेकिन कोई फायदा नहीं ऐसा हैंडसम होने का, क्योंकि पैसे उसी से आते हैं। किधर है नाला सुपर रे, मेरा नाला सुपर किधर है? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज इतना पुराना एसोसिएशन है हम सभी लोगों का, और आज हम सभी साथ में बैठे एक बार जोरदार तालियां। लव यू कपिल, लव यू टू ब्रो, आपका तो ठीक है, लव यू सर, आपको 3-4 बार लव यू,
क्योंकि आपका नाम ले लेके 6-7 फ्लैट बनाए मैंने लोखंड वाला में। आइए कृष्णा, कश्मीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अच्छा कश्मीरा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपना वेट जो है पुट ऑन कर लिया, लेकिन कृष्णा जो है ये पहले से बहुत फिट नजर आ रहे हैं। तो इनका ये कहना कि ये वर्कआउट करते थे, हालांकि हमें पता है जिम तो कोई खुला नहीं था। बाकी वर्कआउट आप खोलिए राज। बिल्कुल नहीं, मैंने रूल बनाया था कि कृष्णा ने घर पे भी मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, मास्क पहनेगा तो खाएगा कहाँ से? एक्चुअली कृष्णा सही सही बताओ, क्या क्या किया फिर आपने घर? भाई वर्कआउट तो रहता है, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ एक दुख भी होता है, 4 महीना कंटिन्यू रोज। और जब बीवी घर पे हो 4 महीने के लिए तो चर्बी कहाँ से चढ़ेगी? और कश्मीरा हो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। और मेरे को बाहर पता क्या बोल रहा था कृष्णा? क्या मेरे को था यार, 4 महीने तो पहले बीवी के साथ रहे, आज यहाँ पे आए, यहाँ पे बुला लिया, हमें तो लग रहा है लॉकडाउन खुला ही नहीं। आप सब ने, हम सारे लोगों को सोनी टीवी पे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, और हमें तो पता है कृष्णा और कश्मीरा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कमी, एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कभी कि आप लोगों की शादी कब हुई और कैसे हुई थी और किसने एक दूसरे को प्रपोज किया था पहले। अच्छा मुझे साल याद नहीं, कौन सा साल था? छोड़ना। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही झूठे लोग है। वैसे शादी हुई है, हुई है। उस टाइम पे बताया नहीं था अर्चना जी किसी को, हमने भी नहीं बताया था, क्योंकि हमने भी भाग के ही शादी की थी। ये फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहा हूँ मैं। अच्छा? मतलब मीडिया में भी नहीं दिया था। 2012 की बात है। तो ये मुझे अमेरिका ले गई। अच्छा, लास वेगास में। अब उस टाइम पे हमने पहला एक रियलिटी शो किया था। अच्छा, तो मुझे ऐसा कोई मूड नहीं था शादी वादी का कुछ। हाँ, ना मेरा था ना इसका था। हमको था कि चलो हम लोग मिले थे, एक होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। और प्लस मैं ऐसे दिखूं और ये ऐसे, तो क्या बकवास। तो मेरे को अमेरिका ले गई, बोली कि वहाँ पर हम लोग जाएंगे एरिजोना में, लास वेगास में, तो वहाँ पर जाके कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं गया, मैं अर्चना जी सुबह उठा और मुझे नीचे ले गई तैयार, मैं कुर्ते पजामे में था। अच्छा। और देसी आदमी मैं ऐसे उतर गया कुर्ते पजामे में। तो मैंने देखा वो बड़ी वाली लिमोजिन आई हुई है, वो जिसके अंदर बार बार होता है, और अंग्रेज लोग इसके सारे दोस्त ना सब बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या है? अब मेरे को दुख ये हो रहा था कि खर्चा तो मेरा ही हुआ था लिमोजिन। तो उसके बाद मैं बैठा उधर, मैं देख रहा हूँ सब चैंपियन खोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये मेरा 20,000 खुला, ये 40,000 खुला। फिर ये मेरे को कोई पहाड़ों में ले गए। अच्छा। वहां पर एरिजोना के रेड माउंटेन्स है ना। हाँ। तो लाल पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं वहां पे, आप मतलब भागो भी तो आपको जंगल में सामने दिख जाए आदमी, और सफेद कुर्ते में ना ग्रीनरी में कहीं भी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर एक पादरी खड़ा था। हाँ। तो पादरी ऐसा, वो हाँ। उन्होंने ऐसा वो ड्रेस वेस पहनी हुई थी, और वो कुछ लेके ऐसे, और वो सब फॉरेनर लोग जो थे। हाँ। वो सब वहां पर खड़े हो गए। तो ये मुझे ले गई स्माइल करते ना वहां पे। मैं गया, मैंने बोला ये क्या? तो वो बात करने लगा शाम। अब एक तो अमेरिकन एक्सेंट समझ में ना आया मुझे, अशोमा सो इज जस्ट वॉन्ट फाइन। अब मैं बोलूँ यार बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं पूछूंगा क्या बोल रहा था। तो मैंने बोला या बोलते फाइन। मैं बोला या बोलते ओके यू गाइस आर मैरिड। मैंने तो आपको क्या लगा था कि वो क्या कर रहे हैं? मैं बोला ये पता नहीं क्या कुछ तो होगा, कोई पूजा पाठ होगी इनकी कोई वहां की अमेरिकन। हाँ। तो बोला जब मुझे लास्ट ही में समझ में आया दैट यू गाइस आर मैरिड, कैसा धोखा हुआ है। अब धोखा सर कहाँ, भागे किधर है जंगल में आदमी। तो सबने आके कांग्रेचुलेट किया, और मैं तो बस इसके साथ लाइफ में ऐसे ही मेरा हिसाब था कि गो विद द फ्लो। यस। मैंने बोला शादी हो गई मेरी। मैंने बोला देखो 2 साल देखेंगे, वैसे किसी को पता नहीं, इनको ना हिंदी आती ना तेरे को इंग्लिश। गोरे ही आए सारे। लेट्स सी। अच्छा रिलेशनशिप जब हमारा शुरू हुआ तो हमने फर्स्ट एक डांस रियलिटी शो किया था भाई। तो उसके बाद ऐसा था कि हम लोग साथ में इतने सीरियस नहीं थे आपस में, तो हमको था कि यार मैं ना 2 महीने बाद ब्रेकअप कर दूंगा। दो महीने में, हाँ 2 महीने में हमारा प्लान था, मेरा और इनका भी होता था। ये भी प्लान है? हाँ, नहीं ये सच्ची बात है, दिस इज ट्रू। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। 2 महीने? तो वो अचानक से ना कोई लाइव शो आ जाता, तो और दोनों साथ में काम करते थे। मैं सोचता था यार ब्रेकअप हो गया तो 10 लाख रुपए का नुकसान होता। तो ये सोचता था कि वो कैश ना जाए तो इस कैश को रखते। तो ऐसे करते करते भाई 6-7 महीने 8 महीने, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम साथ में काम करते रहे, फिर पैसे कमाते रहे।
Fantastic, पर एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कश्मीरा की, जब आपकी शादी होने वाली थी, आप पनवेल गए थे सलमान भाई के फार्म हाउस पे, उन्होंने पूछा था कि शायद किससे शादी कर रही हो, वो क्या किस्सा था? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा ओपनली किसी के साथ अफेयर हुआ नहीं, अच्छा सब मैंने चुपके ही किया। बहुत बढ़िया। तो कृष्णा के साथ थोड़ा ओपन हो गया, मैं पकड़ी गई वगैरह, वो नहीं बोलना था ना, ओके नहीं। तो सलमान को पता चला तो ही वॉज वेरी लाइक, हमने दो तीन फिल्में साथ में की थी, एंड ही न्यू आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी अमेरिकन वगैरह, तो बोलते कौन है ये लड़का, लेके आओ। तो मैं भी लेके गई, मुझे एक तो पिटवाने का बहुत शौक, मुझे आई लव इट, यू नो, तो मैंने चलो इसको लेके जाते हो, तो आई टुक हिम देयर। और कमाल की बात हुई, मैं गया, फर्स्ट टाइम गया था भाई के फार्म हाउस पे, तो मैं जैसे एंटर किया भाई खड़े थे उधर, अब वो दूर से 3 घंटे से बस मुझे ऐसे ही देखे जाए ऐसे करके, अब मैं डरता रहूं। तो अचानक से क्या हुआ, मुझे पता था कि चीची मामा आने वाले हैं, तो जैसे मामा की एंट्री है गोविंदा जी की, तो मैं उनके ऊपर जंप किया और हम साथ में डांस करने लगे। तो भाई बोलते हैं, बोले कौन है बदतमीज, गोविंदा के ऊपर चढ़ गया ये। उस दिन उनको पता चला ये तो गोविंदा का भांजा है। पर जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, आपको पता था कि इनकी फिल्मी बैकग्राउंड है कोई, मामा है इनके गोविंदा? नहीं नहीं, मैंने इसको पूछा था कि विच इज योर फोर्थ कमिंग फिल्म, तो इसका जवाब आया था कि ये मेरी फोर्थ नहीं, मेरी थर्ड फिल्म है। नहीं, इंग्लिश का प्रॉब्लम है सबको है इधर। और मैं बात पूछने ही वाला था कि इस बात पे सब हंस क्यों रहे हैं। ठीक बोला। हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी, फिल्म का नाम था पप्पू पास हो गया, कई सारी हमारी ऐसी फ्लॉप फिल्में आई। उसके पहले हाँ। मैं बहुत सारे गाने कर चुकी थी, मैं 6-7 गाने, मैंने जंगल फिल्म में आपको पहली बार देखा था। तो उस फिल्म में मुझे इतने सारे गाने मिलते थे, तो सडनली मुझे एक हीरोइन का रोल मिला, तो मैंने बोला हीरोइन का रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, लेट्स डू इट, हीरो कौन है? तो इतना गंदा फोटो दिखाया था कृष्णा का, तो मैं भाई साउथ की एक शूटिंग कर रहा था, साउथ पिक्चर की, अच्छा कोयंबटूर में था मैं अर्चना जी 2-3 महीने के लिए, तो वहां पर उन लोगों ने इडली डोसा खिला खिला के मेरे को, मैं इतना भारी हो गया था और काला हो गया था गर्मी में, और उन्होंने मेरी एक फोटो ऐसी गंदी सी हंसते हुए सब पेड़ भार और वो कहीं डाल दी थी, तो मैंने वो फोटो देखी, बोली यार ये हीरो है पिक्चर का, इट्स सेफ। और मुझे फोन आया था जैकी श्रॉफ जी का कि उस फिल्म में मैं हीरो था, वो विलन थे और ये हीरोइन थी, का दादा का बोना है बड़ो इधर आने का उधर जयपुर में अपने को, तो दादा का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में रुइन करने का। तो सेट पे दादा हमें बहुत छेड़ते थे, हम लोग शॉट दे रहे होते थे ना, कभी रात रात की शूटिंग होती तो दादा खड़े होके बड़ो अमावस का चांद है बड़ो, बोलते थे अमावस का चांद निकले लाए हीरोइन का ख्याल रखना तू, तो दादा मुझे पुश करते थे इसकी तरफ बार बार। अच्छा, और मुझे 9 दिन तो मैंने इसको हेलो हाय बोला भी नहीं। हाँ, हम अलग अलग होटल में थे, मैं कोई 3-स्टार होटल में रखा था मुझे, और इनको कोई 7-स्टार होटल में रखा गया था। मैं इससे ज्यादा फेमस थी तब। हाँ, ऑडियंस, यस। तो दादा ने बड़ा पुश किया है। मैंने दादा को बोला था, दादा एक दिन मैं आपसे बदला लूंगा इस बात का, मैं टाइगर को किसी कश्मीरा जैसी लड़की से मुलाकात करूंगा। तो इसने मुझे कैसे पटाया, इसने मेरे हेयरड्रेसर को पूछा कि अच्छा, उसके पहले मेरी बात हुई उससे कि यार यहाँ क्या मिलता है जयपुर में, तो बोलते हैं यहाँ मोजडीज अच्छे मिलते हैं, तो मैंने कहा एज आई एम सो फेमस मैं तो बाहर जा नहीं सकती वगैरह, ऐसे ना थोड़ा एटीट्यूड दिखाया इसको, ये कौन है टाइप्स। तो इसने मेरे हेयरड्रेसर को पूछा कि इसके पैर का यू नो साइज क्या है, अच्छा तो उसने बताया, तो दूसरे दिन 2-3 मोजड़ी लेके आया और इसने वो मुझे भेज दी। अच्छा। आज भी उन्हीं मोजड़ी से मार खाता है। बट कृष्णा, तू इतना कंजूस और तूने 3 मोजड़ी खरीद के दे दी कृष्णा? वहाँ सस्ती 200-200 रुपए की मिलती। तो वहां से हमारे जो है अफेयर की शुरुआत हुई थी भाई। हाँ। जयपुर से। क्या बात है, 200 रुपए जूतों पे इन्वेस्ट करके सर पे बैठ गया आदमी। परमीत सर, ये तो बताया था अर्चना मैम ने, पहली बार आप इनको डिस्को लेके गए थे, पर ये नहीं बताया कि मुलाकात कैसे हुई थी आपकी। मुलाकात एक्चुअली हुई थी मेरे दोस्त के घर पर। अच्छा। मैं उसको ऐसे ही मिलने गया था और वहाँ पर ये बैठी हुई थी, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट दैट टाइम। अच्छा। मैं उसे दिखाने गया था, मैंने एक ऐड किया, तो वो मैगजीन इसके हाथ में थी। अच्छा।
तो मैंने ऐसी मैगजीन ली, एक मिनट में इसमें मेरा ऐड आया, देख देख देख, तो इसे लगा कि इतना रूड बंदा, मतलब कि बदतमीज मेरे, अच्छा ये हीरोइन, अच्छा मेरे हाथ से मतलब इसे किताब छीन ली। आई वाज सो बिजी, मैंने दिखा ये देख मेरा ऐड है, ये है वो है, सीखा। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन आई रियलाइज अच्छा ये अर्चना पूरन सिंह है भाई, ओह हेलो हेलो हाउ आर यू, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। और यू नो फिर आप पीछे पड़ गए। और सबसे ज्यादा जो एक्चुअली चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की इसके बारे में जी, शाम का वक्त हो गया था और हमने बोला चलो डिस्को जाने से पहले कुछ खाते हैं। अच्छा, तो पराठे बन रहे थे, ओके एक्चुअली पराठा टू पराठा मैच किया इसने मुझे। और उसके बाद इसने बोला कि मक्खन नहीं है, तो आई वाज लाइक इससे यार ये आठ पराठे खाने के बाद मैंने बोला मक्खन नहीं है, फर्स्ट टाइम आज तक। ऐसे तू बॉम्बे की तो नहीं हो ना? नहीं। मतलब हाँ लग रहा है, दैट इज व्हाट इंटरेस्टिंग। वही तो आजकल की हीरोइनों में तो जान ही नहीं है, ये है पुरानी हीरोइन, देखिए पराठे खा के फिर पूछनी मक्खन नहीं है। मैम ये होना चाहिए यार, खाओ जितना मर्जी कसरत करो फिट रहो। अर्चना जी अगर पराठे भी खाती है तो फिट भी हमेशा रही है। लव यू अर्चना जी, आज इतना मजा आ रहा है अर्चना, मुझे लग नहीं रहा हमारी शूटिंग है, इतना मजा आ रहा है आज बिल्कुल। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले फैमिली के एक और अहम सदस्य को यहाँ पे बुलाते हैं जिनकी हमारे शो में बंपर एंट्री होती है। प्लीज वेलकम आप सबके फेवरेट बच्चा यादव उर्फ कीकू शारदा और उनकी बेटर हाफ प्रियंका शारदा। कीकू भाई, भाभी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू मैं पहले पूछने वाला था कीकू भाई आप ही की बीवी हैं? मैं तो प्रियंका भाभी को जानता हूँ, हमारे दर्शक जो है आज पहली बार हमारे शो के माध्यम से देख रहे हैं। भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। कीकू भाई आप भी कमाल के लग रहे हो, डांस बड़ा कमाल करते हैं सबको पता ही है। बैठिए इतनी रिस्पेक्ट। अभी एक बात बताइए, आज आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं, कश्मीरा तो पहले भी आ चुकी हैं, परमीत सर भी आते रहते हैं हमेशा, कीकू भाई जब भी कभी पार्टी में या किसी इवेंट में जाते हैं हमने कभी आपको उनके साथ नहीं देखा, ऐसे क्यों? नहीं मैं होती हूँ हमेशा पीछे, छुप जाती होगी उसके कीकू के। एक्चुअली एक्चुअली मैं छुप जाती हूँ, दिखती नहीं होगी। भाभी सच सच बताना, लॉकडाउन में घर का काम करवाया आपने इनसे? बहुत कोशिश की, नहीं चेंज कर पाए। बट हाँ एक दो चीजें करवाई बड़ी मुश्किल से, खाने का मेन्यू सेट करने में हेल्प की। अच्छा अच्छा, सेट करने मतलब सिर्फ डिसाइड करने के लिए, फिर खाने की टेबल सेट करने के लिए। ओके और उसमें तो हमारा बहुत झगड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड, झगड़ा इसलिए हुआ था ये कौन करता है आप मुझे बताइए, टेबल सेट करनी है डाइनिंग टेबल, अब प्लेट रखनी है क्योंकि चार प्लेटें रखनी है, चारों प्लेट में फूल उसी दिशा में दिखने चाहिए, ये फूल उधर कैसे चले गए, प्लेट को वैसे ही रखना है, चम्मच वैसे ही होनी चाहिए, ग्लास का ये इतना टेढ़ा नहीं, मैट थोड़ा पीछे नहीं आगे नहीं, इतना प्रेशर, सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, सब सही दिखना चाहिए, एक चम्मच उधर देख रही है, ग्लास उधर देख रही है, व्हाट इज दिस, कम ऑन। मैं ना आपकी बातें सुनकर डरने लगा हूं, ये बातें शादी के कितने साल बाद शुरू होती है? हमें तो 17 साल हो गए हैं। क्या बात है यार, पर 17, वाओ। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कहावत है कि जो हमेशा हंसते रहते हैं हंसाते रहते हैं वो हमेशा यंग रहते हैं। 17 साल इनकी शादी को हो गए, लगता है जैसे 2-3 साल हुए अभी, पर आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा भाभी एक बात बताओ, जब आपसे कीकू पहली बार मिले थे तो शुरू से खाते पीते घर के थे कि आपको देख के फूल गए खुशी से? नहीं पहले भी खाते पीते थे, इनफैक्ट अभी तो मैंने खाना बंद कर दिया है, पीना बंद कर दिया है, तो शायद थोड़े से पतले हो गए हैं, बट अदरवाइज नहीं, हमेशा राउंड एंड गोलू मोलू टाइप्स। गोलू मोलू टाइप्स, गोलू मोलू टाइप्स, क्यूट टाइप्स। लेकिन लॉकडाउन में वेट लूज किया है इन्होंने कीकू भाई? थोड़ा थोड़ा, हाँ वो दिखता नहीं लेकिन है। ये कैसा वेट है जो लूज किया दिखता नहीं? पर कीकू भाई के लाखों करोड़ों फैंस हैं, लोगों को हंसाते हैं, पर जब आप पहली बार इनसे मिली थी तो आपको इन पे प्यार आया था कि आपको इन पे हंसी आई थी? इन्होंने आपको हंसाया था आके कि सीरियस होके ऐसे मिले थे? हेलो टाइप, एकदम सीरियस थे उस समय, आई थिंक एक्टिंग नहीं करते थे। मेरा करियर की शुरुआत भी एक्टिंग में शादी के बाद ही हुई है। तो वेले लड़के से पट गई आप? फ्री लड़के से? नहीं ऐसा तो नहीं था, मतलब वो डैड को हेल्प करते थे। I mean, पता है मुझे वैसे तो पुश्तैनी अमीर हैं। इनफैक्ट मेरे को इनकी आंखें बहुत अच्छी लगी थी, व्हेन वी मेट आई फेल इन लव विद हिज आईज।
क्या बात है बड़ी अच्छी आंखें थी तो दैट्स व्हाट और हमारी अभी भी है वो थोड़ा वजन के साथ थोड़ी आंखें छोटी होती जाती है ना पर मुलाकात कहाँ हुई थी भाभी आपकी पहली बार कहाँ हुई थी हमारी इधर मुंबई में ही एक होटल में अरेंज्ड मैरिज सेटअप जिसके अंदर पहले बायोडेटा ऐसे एक्सचेंज होते हैं तो अच्छा. वो हुआ हमारा शी यूज्ड टू लिव इन कुआलालंपुर मलेशिया में अच्छा. तो मलेशिया से मुंबई शादी के लिए ही पहली बार मिलने आया पूरा परिवार तो हम जूहू में एक होटल में मिले जब हम पहली बार मिले तो करीब एक 20 लोगों की लंबी टेबल इनकी फैमिली हमारी फैमिली 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 बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग बात यह है कि समझिए आज लंच पे हमारी पहली मुलाकात हुई और कल अगले दिन शाम को लॉक कर दिया कि ये शादी हो रही है बस ये wow. पक्का wow. नहीं पर आपने पहले आपस में तो बात की होगी कि आपस मैं, में बात की मुझे तो वो जो होता है कि बेटा आप लोग जरा साइड में जाके जरा बात कर लीजिए तो वैसे वाला था हमारा भी कॉफी शॉप में बैठ के हमने शाम को करीब 2-3 घंटे बातें की अच्छा उन बातों में काफी क्लैरिटी हो गई कि ये हो जाएगा मैंने घर जाके बोला कि ये डन है हम अब ये शादी कर लेते हैं हो गया माय फादर वाज सो दिस थिंग के ऐसे नहीं बेटा ऐसे नहीं अपना टाइम लो बेटा थोड़ा टाइम लो बोल तो कीकू के पापा इतने क्यूट है ना पता नहीं घर से बोलते क्या कहते मैं जिम जाता हूँ लेकिन मैरिट में मुझे भाई बहुत बार मिले तो जिम भी नहीं जाते सीधा आके ना स्टीम रूम में मैं बैठा तो मेरे को बोलते हैं और कपिल बेटा कैसे हो तो धुएं में मैंने देखा कौन हटाया कीकू के पापा बैठे हुए मैं कहा अंकल आप जिम नहीं आए थे किया था 5 मिनट ट्रेनिंग अच्छा भाभी जब आप होटल में बैठे थे खाना वाना खाया आपको याद है उस शाम बिल किसने दिया था मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज कीकू भाई जो है मारवाड़ी फैमिली से और मारवाड़ी लोगों के बारे में कहा जाता है वो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं बिल्कुल ये अर्चना जी का सवाल था कि पूछना जब प्रियंका है कि ये आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट देते हैं या ये बोलते हैं कि तुम भी मेरे बर्थडे मत देना हिसाब बराबर मैं तो इनफैक्ट कभी बर्थडे में गिफ्ट नहीं देती हूँ आप इनको गिफ्ट नहीं देती हार्डली अच्छा क्योंकि इतने चूजी हैं मतलब मैं कितनी बार लेके आती हूँ मुझे वापस रिटर्न करना पड़ता है गिफ्ट मना कर देते कि ये ठीक नहीं लगा नहीं हाँ मतलब चॉइसेस आर सो डिफिकल्ट मतलब इट्स लाइक कि आपको जो चाहिए आप ले लो बट देन यस ही ऑलवेज बाइज मी गिफ्ट फॉर माय बर्थडे लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को जब गिफ्ट देते हैं तो ये पैसे तो एक ही हैं तो मैंने उसी पैसे में से निकाल कर एक गिफ्ट परमीत को दे दी फिर उसी पैसे में से उन्होंने निकाल कर मुझे गिफ्ट दे दी तो यार मैं अपनी अपने आप खरीद लूं वो अपनी खरीद ले वो नहीं? तो रहा हमारे बीच में वो तो हो रहा है धीरे धीरे हो जाएगा आपका भी 28 साल 17 साल हो, एक 1.5 साल बाद समझ जाएंगे आप कश्मीरा तुम्हारा कितने साल 14 साल सो 28, 17 और 14 साल वाह वाह भाई 100 साल की जोड़ियां बैठी हुई हैं पर कृष्णा आपको गिफ्ट देता है कश्मीरा अब सच बहुत बताऊं तो पर जहां तक मैंने एक अफवाह सुनी है कहते कि एक बार ना कृष्णा आपका बर्थडे वो भूल गया था तो फिर बदले में इसको आपके लिए फिल्म प्रोड्यूस करनी पड़ी ऐसे सुना है ये बिल्कुल सच है एक इनका गिफ्ट मुझे बहुत भारी पड़ा था भाई क्या बहुत अच्छा किस्सा है कश्मीरा ने मुझे फर्स्ट टाइम जब नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो अमेरिका से एक जूता लाके दिया अभी भी मेरे पास मैंने संभाल के रखा है इनके जो फर्स्ट गिफ्ट्स हैं वो मैंने अभी भी प्रिजर्व करके रखे हैं एक शर्ट अच्छा। और एक पर्स मैंने कभी पर्स नहीं खरीदा था लाइफ में अच्छा क्योंकि पैसे नहीं तो पर्स कहाँ से खरीदे तो इन्होंने मुझे पर्स गिफ्ट किया था और कीकू भाई एक जूता इतना बड़ा बड़े जो मैं पहनता हूँ मुझे बड़ा शौक है जूतों का बूट्स था तो जब फर्स्ट टाइम हम न्यूयॉर्क जा रहे थे वहां पर चेकिंग बहुत होती है न्यूयॉर्क में दिस इज आफ्टर 9/11 जो हुआ था तो बोले तो इतने बड़े जूते मत पहन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये अभी प्यार से लाई थी अब होता ना कि बीवी ने प्यार से दिया है तो वो 1.5 नंबर कम था जूता लेकिन मैंने उसको कैसे भी घुसा के मैंने बोला ये लाई है बेचारी मैंने बोला मैं ये जूता पहनूंगा ये मेरे लिए गिफ्ट लाई अमेरिका में ही पहनूंगा तो मैंने चढ़ा लिया अब हम लोग गए चेकिंग वहां पर लाइन से लगी थी तो अभी वहां पर शर्ट उतारनी पड़ती है सब उतारने पड़ते हैं बिलीव करिए मैंने सब कुछ निकाला जूता नहीं निकल रहा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे 7 फुट के वो ओल झोपट बोलते जूता निकालो खा रिमूव अब मैं बोल यस सर आई एम रिमूविंग अब वो मैं खींच रहा हूँ भाई 4 घंटे तक जूता नहीं निकला 4 घंटे नहीं मजाक नहीं अर्चना जी मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ऐसे लेट गया नीचे मैं ऐसे लेटा हूँ और अमेरिकन खींच रहे मेरे जूते अमेरिकन और वो सब इतने भारी लोग बोलते इसको गेट हिम टेक हिम इनसाइड
ये वो ये कुछ है आदमी बोलते हैं ऐसा कैसे how is it possible that he can't remove his shoes? I told you. और ये मेरे पे उल्टा भड़क रही इसको I told him not to wear these shoes. इसने मेरे पे डाला वो मेरे को अंदर लेके गए फिर वो जूता मुझे फाड़ना पड़ा उन्होंने ब्लेड से काटा वो ब्लेड से काटा निकला है मैंने लेकिन अभी भी संभाल के रखा हुआ सोचो अंग्रेज वो जूता खींच रहे होते अमेरिकन गेट आउट इट्स योर फीट परमी सर आपको कौन सा गिफ्ट याद है जो पहला गिफ्ट अर्चना जी ने आपको दिया हो मुझे सॉरी उल्टा सवाल तो नहीं पूछ लिया मैंने आपको अर्चना जी याद है शौक कि जैसे मैंने कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं वैसे मुझे अब जब बात कर रहे थे ना गिफ्ट की तो मुझे याद आ रहा था कि परमीत हैड गिफ्टेड मी अ ब्लैक शर्ट लॉन्ग शर्ट तुम बोले थे ना तुमने रखी है वो पहली गिफ्ट जी 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 बट आई डोंट नो वेयर दैट शर्ट इज ही इज वेयरिंग इट आई थिंक सो मैंने कौन सी गिफ्ट दी थी पहले वी डोंट नो 28 साल के बाद यही होता है कुछ याद नहीं रहता पर परमीत सर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़े मुंह पे बोल रहे हैं आई डोंट नो कम से कम आदमी इतना बोल देता है आप उनको कौन सा याद है बोल दो आप एक था यार खूबसूरत सा लैंप था पर एक बात तो है परमीत सर कृष्णा किकू मतलब ये जो लॉकडाउन हुआ है 4 महीने पहली बार हुआ होगा कि सबने स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ इतना 24/7 4 महीने एक साथ रहे हैं तो सही सही बताना परमीत सर ऐसे मास्क लगाने से ज्यादा दम घुटता है या ऐसे किसी जगह पे आप खो जाओ जितना मैं तंग इस लॉकडाउन में हुआ इसकी वजह से ना ये कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाती यार कहीं तो छोड़ देते मैं अल्टीमेटली बाथरूम में बंद हो जाता हूँ कि यहाँ पे तो नहीं आई ना वो एक्चुअली जहाँ पे रूम में एंटर करते हुए देखना पड़ता है ये कैमरा तो ऑन नहीं इसका चलो अंदर आ सकता हूँ मैं ऐसा हाल पता अभी परमीत सर को किसने पूछा भी कहाँ जा रहे बोलते मैं ऐसे शो में जा रहा हूँ बोलते कौन सी फिल्म प्रमोट करने कहते मेरी बीवी का वीडियो लॉन्च हुआ इंस्टा पे आज क्योंकि आज सब जोड़ियां यहाँ पे हैं सर तो आपके कुछ फैंस हैं वो भी जोड़ियों में बैठे हुए हैं अपने अपनी बीवियों के साथ अपने अपने पतियों के साथ तो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं जी सबसे पहले कौन हेलो हाय एवरीवन हेलो हेलो सर कहाँ से बोल रहे हैं आप हाय कपिल हम कलकत्ता से बोल रहे हैं कोलकाता से बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हाँ जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी कौन कौन बैठे पहले आप इंट्रोडक्शन कराइए कि आपका नाम और आपके साथ कौन कौन है मैं वीनू कौर मैं कोलकाता से अच्छा ये मेरे हस्बैंड बॉबी और मेरे बच्चे सारे बच्चे आपके सारे अच्छा बॉबी जी वीनू जी बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सर यहाँ पे इस समय आप हम सबको देख पा रहे हैं हेलो 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 सबसे पहले ये बताइए लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका हमारा बहुत अच्छा चल रहा है मजे कर रहे हैं हम लोग आपकी फैमिली देख के तो लग रहा है काफी देर से लॉकडाउन चल रहा है आपका ओह बड़े प्यारे लग रहे हैं आप सब लोग एक फ्रेम में बैठे हुए बॉबी पाजी फिट भी काफी हैं आप हाँ जी बस लॉकडाउन के दौरान फिट कर दिया मैडम ने काम वाम किया फिर घर का हाँ जी इनका वेलनेस कोच है हेल्थ क्लब है इनका तो अच्छा जी लॉकडाउन क्या था कि बंद था सब कुछ क्लाइंट्स तो आ नहीं रहे थे इनके अच्छा जी तो सारा जोर जो क्लाइंट्स पे लगाती थी डाइट्स का एक्सरसाइज का सारा मेरे ऊपर लगा हुआ तो कपिल आप बताइए इसमें कुछ भी कोई चीज गलत हुई बल्कि इनफैक्ट घर बैठे बैठे मैंने 5-6 kg लूज कराया बल्कि और क्रशिंग हो गए हैं अर्चना जी आप बच्चे ये लगते हैं 4 बच्चों के बाप हैं बिल्कुल नहीं पर ना बीनू जी मैं सच में पहले मुझे लगा शायद आप मजाक कर रहे हैं पर आप दोनों इतने यंग लग रहे हैं एक्चुअली में नहीं लग रहा कि आप दोनों 4 बच्चों के माँ बाप हैं और ये कॉम्प्लीमेंट है आप दोनों के लिए और बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं परमीत जी आप बताइए आप बड़े फिट लग रहे हैं लगता है अर्चना जी ने आपसे बहुत काम करवाया झाड़ू कटका बर्तन धोना झाड़ू का तो वीडियो भी आया है इंस्टाग्राम का वीडियो भी आया है मैं गार्डन में झाड़ू दे रहा था इन्होंने भी बहुत काम किया है मेरे साथ कपिल जी हाँ जी हमारा रेस्टोरेंट है कोलकाता में होटल एंड रेस्टोरेंट अच्छा जी तो जब ऐसा ओनर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोई कमी दिखती है या कोई गंदगी दिखती है तो हमें अपने स्टाफ को डांटना पड़ता है ये करो वो करो तो ड्यूरिंग लॉकडाउन भी सेम मेरे साथ हो रहा था अगर गलती से कुछ गिर गया या किसी टॉवल रख दिया गीला बस वही सब मतलब
ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस भी हो रहा था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कपिल मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, अगर ये अपने होटल के मालिक है तो भटकी मलकिन कौन हुई? अर्चना जी आप बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी। अच्छा जवाब। पूछना चाहूंगी कश्मीरा जी, आप आई थिंक मुझसे एग्री करेंगे, घर के मालिकिन तो हम लोग ही है। बिल्कुल 100% यस बॉस। हो या हाँ, तो इनको अगर मेरे घर पे रहने तो मेरे अकॉर्डिंगली जरूर चलना पड़ेगा 100%। हाँ जी, ये तो बात ठीक है आपकी। ये सब आप लोग शादी के पहले क्यों नहीं बोलते? सही बात है, पहले बताना चाहिए ना। तो बीनू आप बॉर्न एंड ब्रॉटअप कोलकाता में ही हैं या शादी के बाद शिफ्ट हुई? नहीं नहीं, बॉर्न एंड ब्रॉटअप। और बॉबी जी भी यहाँ पे? और वैसे आप पंजाबी फैमिली है? हाँ जी हाँ जी, बेसिकली सारे नेटिव तो सारे पंजाबी हैं सर हमारे। वैसे पंजाबी तो हर जगह ही मिलते हैं, मतलब आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ। कोने में चले जाओ। मैंने तो सुना चांद पे भी एक परावां दा ढाबा है। बड़े अच्छे लस्सी मिलती है उधर। कभी भी और एक बात आपसे बात करनी थी। जी सर। मैं फरवरी में मुंबई गया था, तो आप एज अ फैन आपका मेरी बहुत इच्छा थी कि शायद आपसे मुलाकात हो। अच्छा, इनफैक्ट मैं तो आपकी बिल्डिंग में के आपके ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गया था, वहां एक दो घंटे बैठा भी था, हम लोग दोनों ही गए थे इनफैक्ट। वो मेरे ऊपर तो मिका सिंह रहते हैं। बस उनके घर पे ही थे हम लोग। मिका भी हमारे क्लोज फ्रेंड है, जैसे आपके फ्रेंड है वो भी। अच्छा जी, अच्छा जी। इनफैक्ट अर्चना जी के भी पड़ोसी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। कौन? पंकज त्रिपाठी। ओ पंकज त्रिपाठी है। उनको उनको तो इन्होंने भगा दिया, कब्जा कर लिया उनके फ्लैट पे। तो हमारे कौन से पड़ोसियों को जानते हैं आप? जी मुझे कश्मीरा से कुछ पूछना था। जी 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 प्लीज। मैंने पूछना था कश्मीरा को कि कपिल की जो सपना है वो उसको मन नहीं करता अपने घर पे सपना बनने का, बिकॉज अभी शूट वूट नहीं चल रही है, तो कभी ऐसा हुआ कि उसे बहुत मन कर रहा है कि मैं सपना बनूं तो वो सपना बन के अपने घर पे घूम रहे हैं? नहीं मुझे सोचे थी नहीं, इतना कोई शौक नहीं कि घर पे भी फ्रॉक पहन के बैठा रहूं मैं। मैं हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बड़े ब्रदर एंड मम्मी पापा। अच्छा, तो वो सिर्फ हाय हेलो कहना चाहते थे, इफ यू अलाउ तो मैं क्या बुला सर सर प्लीज 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 मम्मी आ रहे ये बड़े भाई हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पापा जी आ जाओ। हेलो हेलो पापा यार, बड़ा मजा आ रहा है ना ये। पापा जी पैरी पहने जी। हां जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अब बड़ा मजा आ रहा है जी आपके बेटे से, बच्चों से बातें करके, आपकी बहू से। बड़ी प्यारी फैमिली आपकी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे में आपको नहीं मिल पाए तो कभी ऐसा मौका मिलेगा, बट थैंक यू टू यू, थैंक यू टू कपिल शर्मा टीम जो हमें ये मौका मिला और हम आप सबके बीच में आज बैठे और बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पर हमें भी बहुत मजा आया आप सबसे बातें करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और परमात्मा करे सब जल्दी ठीक हो, फिर आप हमारे शो पे आइएगा, फिर और बातें करेंगे हम लोग। अच्छा जी, ओके जी, सत श्री अकाल जी। थैंक यू बाय बाय। कितना मजा आया, स्वीट ना? सो स्वीट, वेरी स्वीट। ये होती है हिंदुस्तानी फैमिली एक्चुअली। दूसरे कॉलर भी है हमारे साथ जी। हेलो, हाय कपिल। हेलो सर, हाउ आर यू? Oh my God! I'm good. How are you? I'm happening right now. Oh God! कहाँ से बोल रहे हैं आप? We are talking to you right now from Georgia. You say? अच्छा जी, तो आपका नाम तो प्रिया है, हमें पता चल गया, और आपका नाम हमें पता नहीं है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर उमंगदीप जागलान। पंजाबी है उमंग आप? जी। अरे वेरी गुड। मैं हरियाणा से हूँ सर। और कैसा चल रहा है आपके वहाँ पे अमेरिका में लॉकडाउन? सर आई गेस सबका सेम ही है, सभी लोग अपनी चार दीवारी के अंदर ही बैठे हैं, तो आई गेस अपने पार्टनर्स के साथ आई गेस बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है जी, सब लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको अच्छा लग रहा है कि इतना टाइम स्पेंड करने को मिला है अपने पार्टनर के साथ? सर शुरू में तो दिक्कत आई थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्या क्या दिक्कत आई थी? सर पहले अब तो ये है ना कि इन लोगों को 24 आवर्स कैमरा मिल गया है, ये लोग घर पे ही होते हैं।
हाँ ये लोग कम एंड वॉच अस कि हम लोग क्या कर रहे हैं जी या तो एक तो वो दिक्कत होगी सर ये लोग हम लोग पहले ऑफिस में होते थे तो यू नो वी हैड अ चांस टू गो एंड इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स और कभी कभी ये होता था कि चलो 10 मिनट हैं जाके कॉफी ब्रेक लेते हैं जी बट आजकल आवाज आती है कि फ्री हो तो आ जाओ 10 मिनट डाइपर ब्रेक चाहिए कम एंड चेंज जॉर्जिया का डाइपर तो अच्छा यू नो कपिल मैं बताऊं जो इस टाइम में निकल गया ना जो पेंडेमिक में साथ रह गए जी वो इस जन्म में साथ ही रहे तो अभी निकल गए वो आगे सेट है बहुत आपकी बेटी है छोटी सी नीचे हाँ अरे प्यारी बहुत प्यारी इसको दिखाओ जरा कैमरे के सामने ओए हेलो बेबी क्या उम्र है इसकी क्या उम्र है 22 मंथ्स नाउ 22 महीने सो स्वीट बहुत प्यारी है अच्छा पर ये भी एक ब्लेसिंग होती है उमंग जी वैसे जी सर कि घर में आपके बेबी है तो मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमारे यहाँ पे किकू बाजी के तो बच्चे बड़े हो गए अभी एक बेटा 14 साल का है और दूसरा है ना 12 साल और कृष्णा और कश्मीरा के बच्चे जो हैं 3 साल इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 3 साल के हैं और अर्चना जी तो भगाती रहती हैं अपने दोनों बेटों को और पति देव को पर मुझे लगता है कि ऐसे हाँ बच्चे भी जब फैमिली में होते हैं तो टाइम पास बड़ा बड़ा मजेदार हो जाता है टाइम भी कि अगर कोई कोई अगर हिट ऑफ द मोमेंट में अगर कोई आर्गुमेंट हो रही है एक्चुअली सडनली वो आ जाएगी भाग के अंदर तो यू नो वो सारी चीज डाइवर्ट हो जाती है तो वो हमारी लाइफ सेव कर रही है गलती से हंसी आ जाती है लड़ाई करते करते एक्चुअली ये फॉर्मेट बड़ा सोच समझ के बनाया गया है जिसने बनाया ये कि एक साल तक तो आप साथ में रहते हैं तब तक आपकी बातें अभी खत्म होने ही लगती हैं तब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद बच्चों की बातें होने लगती हैं पर मैडम ने बात बड़ी सही कही कि जो इस समय में साथ रह गए वो अब 7 जन्म तक साथ रहेंगे एक्चुअली अब पक्का हो गया सर बाकी सर एक एक ये है कि फायदे भी बहुत हुए हैं जी आपको बताऊं कैसे अब पहले हर हफ्ते ये होता था कि वीकेंड पे जाओ और आउटिंग है तो बाहर खाना भी खाते थे तो फिर और मेंटेनेंस भी बहुत हाई है तो यू नो शॉपिंग और वो सब तो वो खर्चा भी बच गया अभी हाँ ये तो ठीक है वाकई डॉलर्स बच गए हैं ये लॉकडाउन खुलने दो ये सारा कवर करेंगी मुझे पता है लेकिन हाँ मुझे लगता है जैसे हाँ जी मुझसे भी कुछ पूछो मुझे भी प्रॉब्लम है हाँ जी हाँ जी प्लीज मुझे पूछो नहीं मुझे लगा 4 महीने बाद भाई साहब को मौका मिला है बोलने का तो मैं कहा चलो बोल जी प्रिया जी बताइए मैं अब किसी कुकिंग शो में क्वालिफाई कर सकती हूँ आई गेस अच्छा हर रोज डिमांड रहती है आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा I'm like, yeah. like, घर में जलेबी तक बनवा दिए मुझसे सब कुछ ये ऐसा कुछ नहीं है वो फिर बर्तन भी हमें धोने पड़ते हैं बाद में ठीक है तो बस यही है सर ये गाड़ी है 2 पहिए हैं बस ऐसे मिलजुल के चलानी पड़ेगी आपके मीडियम से मैं जो जो सरकार है जिसको आप बहुत सारा टैक्स पे करते हो जी मैं उनको बड़ा थैंक करना चाहता हूँ जी ये जो टैप जो बंद किया है ना उन्होंने हाँ जी वो सर बहुत जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो इस चीज में है ही नहीं सोशल मीडिया पे जी उनकी लाइफ बड़ी सेव कर दी है सर अच्छा अदरवाइज पहले ये होता था कि मैं मेरे सारे बहाने खत्म हो चुके हैं सर आज ये वीडियो बनानी है अब ये डांस करना है सर जब से बैन हुआ है ना सर मेरी लाइफ इजी हो गई है मैं स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ आई फील यू बट आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू जी like इंडिया में फैमिली है हम रोज बात तो करते हैं जी तो एक बार आप सबको हाय कर दे और मेरा भाई है गुड़गांव अच्छा अमरदीप चौधरी उसको बस एक बार अपना आपको दे दो अमरदीप चौधरी आपकी सिस्टर के कहने पे मैं ये कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ये कह रही मेरे भाई को ऐसे कर दो अमरदीप चौधरी थैंक यू प्रिया थैंक यू उमंग एक बार सर हम दोनों की फैमिलीज को जागलान और मील फैमिली को एक बार सर हाय कर दो वरना जी जी उमंग और प्रिया की फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार सबको बहुत बहुत प्यार और वो बिल्कुल खुश हैं दोनों वहां पे और मजे कर रहे हैं बाकी वो उनके दिल की वो जाने उमंग जी हाँ जी पाजी आपसे बात करके बड़ा मजा आया आप दोनों मियां बीवी बड़े मजेदार बातें करते हो और बड़ी प्यारी फैमिली आपकी
हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और कभी मौका मिला जिंदगी में तो जरूर मिलेंगे। ओके बाजी, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय, बाय बाय, बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट कॉलर कौन है? हाय एवरीवन। हेलो, हेलो, गणी गणी खन्ना सर, वाओ बहुत बड़ी फैमिली आपकी, पूरे सर, पूरी फैमिली बैठी है क्या सर? दिखाओ थोड़ा। हाँ बिल्कुल, देखिए जी। हाय हाय एवरीवन, आप लोग घर पे हैं कि पुलिस स्टेशन में बैठे हैं? घर पे सर, घर। तनु जी, जी, जी। तनु जी, मेरा नाम तनु है। अच्छा, आपका नाम तनु है? तो आपका नाम क्या है? मोहनलाल। मनु, मनु, तनु है। नहीं, नहीं, इसका नाम है दीपू, मेरा नाम है तनु। अच्छा जी, ओके ओके, आपके दोनों का नाम बड़े प्यारे लगे, तनु वेद दीपू। दीपू, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं तनु जी? सर मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। अरे वाह, बड़े खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं आप, जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो काम क्या करते हैं आप तनु जी? सर मैं नेटवर्किंग इंजीनियर हूँ, लोकल जयपुर में अपना गवर्नमेंट टेंडर में काम करते हैं सर। अच्छा जी, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? सर बहुत अच्छा चल रहा है सर, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। शुक्रिया, आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है दीपू जी, हमें पता है। मैंने तो भाई साहब से पूछा था इनका कैसे चल रहा है। काफी सर, मेरा भी अभी चल रहा है, खट्टा मीठा चल रहा है सर लॉकडाउन। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा चल रहा है, ऐसे क्यों तनु जी? सर अब हालत ऐसी है कि आदमी को पूछो मत, बाहर जाओ तो कोरोना, अंदर हो तो इसका रोना। लॉकडाउन में 4 महीने में इतना काम करा है जो मैंने लाइफ भर में इतना काम नहीं करा सर। तो शादी को कितने साल हुए तनु जी आपकी? सर मेरे को 5 साल हो गए अभी। शक्ल से लग रहा 50 साल हो गए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे 6 बजे पानी आता है सुबह। अच्छा जी, तो तनु जी उठ जाते हैं पानी भरने के लिए, तो मैं चद्दर में से देखती रहती हूँ तनु जी क्या कर रहे हैं, ये पानी भरते हैं, फिर ये किचन में जाते हैं, फिर चाय बनाते हैं, फिर मेरे को लग जाता है चाय बन रही है, मैं कंबल से देखती हूँ ये सब बातें, फिर मेरे लिए भी चाय आएगी। जब चाय ला के ये रख देते हैं ना पास में, फिर मैं फटाक से खड़ी होकर पीने लग जाती हूँ। तनु जी एक सही सही बताइएगा, शादी से पहले मम्मी के लिए बनाई थी कभी चाय? नहीं सर, मम्मी के लिए नहीं। हाँ तो वही शराब लगा आपको। तनु जी फिर कैसा लग रहा है आपको, गवर्नमेंट की जॉब करना ज्यादा इजी है या घर की जॉब करना? सर बाहर की जॉब है वो इजी लगता है, घर की जॉब से अच्छा है कि घर में पूरे दिन सुनना पड़ता है इसका काम काज करना, ये नहीं करा ये नहीं करा, इससे अच्छा है बाहर आराम से से बोल देते हैं चाय ला दे, इन्हें थड़ी पे जाके कटिंग चाय पी लेते हैं, इधर उधर से बातें कर लेती हैं, कंपनी मिल जाती है अच्छी, गप्पे गप्पे सपे मार लेते हैं। अब ये तो पूरे दिन घर पे रहती है, पूरी इंक्वायरी करती है, किसी का फोन भी आ जाता है ऑफिशियल तो भी इंक्वायरी करती रहती है, क्या करें। पर ये आइडिया अच्छा दे दिया, मेरा हमारी सरकार से अनुरोध है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी उनके ऊपर उनकी जो बॉस है उनकी बीवियों को लगाया जाए, फिर देखना काम कैसे टाइम पे होता है। मैंने पूरे लॉकडाउन में ये सीखा, मैं खुद आत्मनिर्भर बन गया हूँ, खाना पीना बनाना सब कुछ घर का काम करना, अब इस लुगाई की मेरे को जरूरत नहीं है बिल्कुल ही, अगर नहीं हो तो भी चलेगा। तो अब ऐसे बोल नहीं सकते आप भाई साहब, अब तो शादी हो गई ना आपकी। सेहरा लगा के घोड़ी पे बैठ के भी तो आप गए थे। मेरे क्या घर वालों ने जबरदस्ती ऐसे भैया के साथ शादी कर दी। जबरदस्ती? मेरा बड़ा भैया है और इसकी बड़ी बहन थी, शादी उनको शादी हो रही थी, और ये सोचा कि भी ये लड़के भी भाई जवान है तो इनके साथ एक के साथ एक और दे देते हैं। अच्छा, तो आपके जो बड़े भाई हैं और इनकी बड़ी बहन, उनकी आपस में शादी हुई है? हाँ, उनकी शादी हो रही थी, उनके सगाई देखने आए थे बड़े भैया को, जो मैं अभी ट्रे लेके गया था, तो इनके पिताजी बोले कि ये है क्या, नहीं कि ये बोले कि छोटे भाई है इसके, तब उन्होंने सोचा कि अच्छा ये छोटे भाई है, हमने सोचा यही होंगे, फिर मैं ट्रे लेके चला गया, फिर बोले इनके मामा जी आए थे और इनके पापा जी आए थे, वो तो मामा जी रहने, उन्होंने बोले चलो एक लड़की हमारे पास है तो ये भी और देते हैं साथ में, दोनों को एक साथ ही काम हो जाएगा, पैसे भी कम लगेंगे, जानबूझ के फिर बाद में साली पे नजर मारते हैं, दोनों का काम हो जाएगा, 2 साल बाद में शादी करने से अभी एक साथ ही कर देते हैं। वाह, तो ये ट्रे लेके जाने का आइडिया किसका था, पकड़ा उसके बाद में? अब ट्रे लेने का मेरी मम्मी का था। पहली बार मैंने देखा लड़का ट्रे लेके गया, फंस गया जाके। ट्रे लेके बच्चे भी हैं आपके तनु जी?
अभी हम खुद ही बच्चे हैं सर, अभी सर एक बात और बोलूं? हाँ जी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना, फिर मतलब मेरे नाते पोती होंगे, फिर मैं उनको बताऊंगी कि मैं उस जमाने की बंदी हूँ जिसने नोट बंदी, नेट बंदी, घर बंदी और पति बंदी सब देखा है। वाह, एक ही लाइन में छा गई आप। कश्मीरा मैम से एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। मैम, जैसे मैंने आपको एक रियलिटी शो में देखा है, तो आप जैसे बहुत दबंग टाइप दिखते हो, तो घर में भी कृष्णा सर पर ऐसे डराती हो ना थोड़ा बहुत, तो मेरे को भी सिखा दूं, मैं थोड़ा तनुजी को डरा दूं। एक्चुअली मैं ना बहुत शांत हूँ घर पे, झूठ बोला नहीं जाता। डराती तो इतनी देर से शांत बैठा और कितना डरूंगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ ऑनलाइन बातें करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग दूर दूर बैठे, और इतना मजा आया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, आज कश्मीरा ने एंजॉय बड़ा किया। वैसे खर्चे बहुत हैं। अच्छा। तो खर्चे जो हैं वो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। क्या काम? कुछ नहीं, मुझे रेडी होना पड़ेगा। अच्छा। कैसे? नजर एक बार जोरदार ताली, खबरदार जो किसी ने बजाई तो। एक अप्पू इधर आ, इधर आ। तूने तो बोला था इधर ऑडियंस नहीं लगेगा शो पे, तो इन लोग को ऊपर कह को बिठा दिया तूने। सपना, क्या बोल रही है? तुम्हारे गेस्ट हैं? हाँ। तेरे अलावा और कौन कौन मानता है कि ये गेस्ट हैं? हाँ, फिर अभी आए ले तो बात करनी है। हाय। बहुत बड़ी फैन हूँ मैं अपनी। वेरी नाइस आई लाइक। हाय परमित जी। हेलो। हाय, वेरी नाइस आई सी। अब आपसे क्या बात करना, घर की मुर्गी तो दाल बराबर रहती है ना। तो एक काम करते हैं, सीधा मुर्गी से ही बात करते हैं। कैसी है? ओ माय गॉड, कौन है ये? माय गॉड, माय जयंती, माय गॉड, यू आर किकू शारदा। वाओ, सॉरी के सेलिब्रिटी लोग आते ना, उनका नाम याद रहता है। अभी आम आदमी को बिठाएंगे तो कहाँ से नाम याद रहेंगे। फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। किकू जी आज अपनी कुकी के साथ में आए ले। आपके चीकू पिकू साथ में नहीं आए? नहीं, वो घर पर हैं। हाँ हाँ, घर पर है। खैर, जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अरे आप लोग लीजिए ना, पानी है कि इधर पानी देंगे क्या? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर आइए, आप लोग पानी लीजिए ना, आप लोग सब लोग प्लीज हैव वाटर। पानी क्यों दे रही है? पिया पिया पानी। नहीं, लीजिए लीजिए। पानी क्यों दे रही है? अरे इतने बड़े शो पे आए ले, गला सूखता है, नर्वसनेस होता है, तो पानी पियेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और तू पानी पी, अच्छे से पी, और देख एक औरत बन के काम करने में कितनी मेहनत लगती है। पांच मिनट औरत बन के थक गई, हमारा सोचो जो औरतें हैं कितनी मेहनत लगती होगी। वाह, क्या सटहर मारा है, जोरदार तालियां हो जाए। मैं तो सैल्यूट करती है कृष्णा जी को। अच्छा। हाँ, घर में ऐसा माहौल है, फिर भी बेचारा कितनी अच्छी कॉमेडी करता है। खैर, लेकिन ना मजा का लगा, अच्छा हुआ पानी, बहुत अच्छा लगा। कृष्णा जी बता रहे थे आपको शूटिंग देखने का था ना। खाना खा के जाइएगा। खैर, अभी जो इनमें से सबसे बड़े सेलिब्रिटी है ना, मैं उनसे बात करेगी। अर्चना जी भाग्यश्री कैसी है? वैसे आज आपको मजा बहुत आ रहा रहेंगे ना, आप उधर बैठे, परमित जी इधर बैठे ले। भाग्यश्री को उधर बिठा दो ना बैंड में, इसने पूरा पंजाब बिठाया था, आप पूरा मडेलैंड बिठाओ ना इधर। खैर, एक बार कपिल शर्मा शो की फैमिली के एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप पीते रहो, पीते रहो। हाँ, ज्यादा नर्वसनेस होगा ना, प्रॉब्लम, तबीयत खराब होंगी। हाँ, सोनी टीवी का दो एपिसोड का ग्लूकोज चूस जाती है ये। हाँ, घर में कितना खाती है हमको मालूम है।
खैर परमित जी खाने से आते, एक बात बताइए, आपको इधर का खाना कैसा लगा? हमको क्या पता, वो तो पहली बार आए हैं। वो तो पहली बार आए हैं, लेकिन 1.5 साल से जो पैक करा के ले जा रही है घर पे। उसका प्रोडक्शन वाले बताते ना हमको, खर्चा बहुत होता है हम लोग लेकिन बहुत अच्छी, वेरी नाइस शीशी, बहुत अच्छा। इधर इतना मेहनत करते, फिर आप फैमिली का भी पूरा ध्यान देना, फिर इतने वीडियो बनाना। हाँ, लॉकडाउन में बहुत वीडियो बनाए। कप्पू देखा तूने इनका? इतना मस्त मस्त वीडियो बनाया, इतना सारा वीडियो बनाया कि मडेलैंड में खुद का कांस फेस्टिवल कर सकती है। इनको तो कॉकरोच लोग भी देखते ना तो हाथ जोड़ देते, मैडम मेरा वीडियो मत बनाना, कहीं हिट हो गया तो मैं मर जाऊंगा। कप्पू तेरे को मालूम है मेरे पास ना परवीन जी का एक गंदा वाला वीडियो है। ओए, क्या बोल रही है? नहीं, मेरा मतलब ये बिना कपड़े के ऐसा झाड़ू पोछा मार रहे है। अरे वैसा नहीं, मतलब कपड़ा पहने, हाथ में कपड़ा नहीं है उसका, ऐसा झाड़ू पोछा मार रहे, ऐसा बोली है मैं। देखा सर मैं कितना अच्छा कवर करती हूँ। सर आप ना मेरे को 2 घंटे के लिए उधर नाला सुपर में लगेंगे, क्यों? उधर ना दारू के लिए परमिट चाहिए रहता है, तो ये परमिट को लेके जाएगी ना उधर में। आप भी आराम से आराम करिए, अब मैं उससे बात करेगी जिससे मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है? हाँ, कैसी है? बहुत अच्छा। आप वो पिक्चर में थे ना, जंगल पिक्चर में? हाँ, आप ही थे ना वो? हाँ, आप, मेरे को पता चला कृष्णा को ऐसी चीजें जंगल से ही मिल सकती है। लेकिन कृष्णा कितना अच्छा आदमी है ना, जंगली लोग को घर में पनाह दिए लाए। लेकिन पूरी दुनिया तो यही जानती है ना कि उस मोगली को इंसान किसने बनाया। इधर अपन लोग ने 2 एपिसोड क्या बिठा दिए, इसकी तो आवाज निकलने लगी। खैर एक मिनट, आपने तो जंगल पिक्चर में काम किया सर, तो अपना मस्त पिक्चर बनाई थी बदमाश कंपनी, एक बार जोरदार ताली। पिक्चर आप डायरेक्शन भी मस्त, एक्टिंग भी मस्त करते, इन्होंने भी बड़े बड़े काम के लिए, भाई साहब ने क्या उखाड़ा, मतलब क्या खेला। ओए, इन्होंने भी फिल्मों में काम किया है? इन्होंने हाँ करेक्ट, इंग्लिश मीडियम, उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं ना मालूम, मेरे को बहुत अच्छा स्कूल है। खैर आपको ना, मेरे को आपको एक बात बताने का था। ये इधर जो हंस रहे ना, इसे बैठ के बहुत शाना, इसने इधर एक कीकी फंसा के रखे लिए है। हाँ सच्ची में कीकी? हाँ कीकी है इसकी, ऐसा वैसा नहीं, बहुत सीधा लगता है, ये अकेला आदमी जो दोहरी जिंदगी जी रहे। हाँ, एक तरफ इलू इलू और दूसरी तरफ, तेरे को बड़ा जानने का है दूसरी तरफ क्या हो रहा है। एक तो बेचारे का घर टूट रहा है, तेरे को जानने का है कि क्या हो रहा है इधर। मर्द लोग पे भरोसा नहीं करने का, दीदी मैं बता रही है। सब ऐसे रहते, घर में कितनी भी सुंदर बीबी रहेंगी ना, बाहर नजर मारते ही मारते। क्यों परमित जी? छोड़ो कोई बात नहीं, सब मजाक चलते रहते। फिर मैं आपको आज जोक सुनाएगी। अच्छा, तू तो मसाज करती है। अरे नहीं, आज इसको टॉर्चर करेंगे ना इसी का जोक सुना के। ऐसा थोड़ी रहता है। अच्छा मेरे पास एक जोक है। हाँ, एक सड़ेला वाला याद है। गुलाब नाम के आदमी को चांद पे जाने का है तो क्या बोलेंगे? क्या? गुलाब जामुन। और हंसो, हंसने का भी रहते हैं। सेलिब्रिटी ने मालूम नहीं रहता ना इनको। सेलिब्रिटी लोग बहुत जोर जोर से हंसते इधर जब हम लोग बोलते हैं। खैर अभी मैं मसाज पे आती है। हाँ, मसाज हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज, मैं पार्लर है ना, इसी का तू खाती है देख ले। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं, तो हमारे पास है कश्मीरा मसाज। अच्छा, उसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल नहीं लगाते और ऐसे ऊपर ऊपर से मसाज करके घर पे भेज देते। क्यों? अरे कश्मीरा मसाज है, कश्मीरा शाह किसी को तेल नहीं लगाती। जो तेल लगाता है वो कृष्णा ही लगाता है, क्योंकि वही मेहनती है। अच्छा आप लोग उधर रहते ना मडेलैंड में, देखिए मैं आपको पानी में तैर के जाती हूँ। आप लोग के लिए मसाज है मड आइलैंड मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है कप्पू, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं। हाँ। फिर उसको मड में फेंकते हैं सर। अच्छा
फिर वो जैसे मड में लैंड होते हैं ना, वो कहते आई मड आई लैंड मसाज, ऐसे हम लोग मड आई लैंड मसाज। फिर हमारे पास एक और मसाज है, द कपिल शर्मा शो मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें कह रहे थे एक एपिसोड रहते है जिसमें सेलिब्रिटी नहीं आते, ऐसे ही ये लोग अपने लोग को बिठाए देते ऐसे बस इतने ही। अभी मेरे जाने का टाइम, मेरे बहुत कस्टमर लोग भी आते हैं। अच्छा। लेकिन मैं एक दिल से बात बोलते, आप आए ले आज, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोलने का, दिल से मैं बोलती है कि अगर कृष्णा भैया जो है ना उनके साथ कश्मीरा जी नहीं रहती ना, हाँ। तो आज टीवी का इतना बड़ा स्टार नहीं होता। वो किधर फिल्मों में सुपरस्टार होता, मैं सच्ची बता रही हूँ। खैर मेरे जाने का, मेरे को जाने का कप्पू आ लेना। टू गुड। एक बार सपना के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा तुमने मिस कर दी सपना की एंट्री। अरे भाई मैं कंट्रोल रूम में देखा क्या परफॉर्म करती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हमारे, मैं मेहमान नहीं कहूंगा बिकॉज हमारी ये सारी एक छोटी सी फैमिली है जिसका हमेशा ही हमारी जिम्मेदारी हमें लगती है कि हम आपको हंसाना है। लेकिन आज मैं खास तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा परमीत सर को, कश्मीरा को और भाभी को, बिकॉज हम लोगों को तो चलो चेक मिलता है तो ये तो दिल से आए हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत ही मजा आया। और सच में आज ऐसा लग नहीं रहा कि अर्चना जी हम लोग शूटिंग कर रहे थे, बिल्कुल। और दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड जो है लाइफ पार्टनर स्पेशल था। इस लॉकडाउन में हमने सभी वॉरियर्स के लिए दिए जलाए, घंटियां बजाई, सभी को सल्यूट किया, लेकिन एक वॉरियर और है जो हम सबकी जिंदगी में, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो होते हैं हम सबके लाइफ पार्टनर्स, हमारी पत्नी और जो पत्नियां हैं उनके पति। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां चिकू भाई दिल से। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सिर्फ इस लॉकडाउन में नहीं बल्कि जिंदगी भर की हर मुसीबत में हमारे साथ जो है हमारे पार्टनर्स खड़े रहते हैं। सो आज दिल से एक बार अपनी अपनी पत्नियों के लिए और अपने अपने पतियों के लिए आप घर बैठे तालियां बजा सकते हैं। सारी जिंदगी एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, हमेशा यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू सो मच गाइस।